أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا ربيا لعلكم تعكلون बिसमिलीम अलगम नाजरन आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान का सफ़र और मैं हूँ आपका होस् सैद तला शाह बुखारी नाजरीन सबसे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का मुख्तसर तारफ़ करवाता चलूँ इस कायनत में सबसे अली हस्ती सबसे हसीन हस्ती जनाब रसूल सल्हु वसम जो तमाम नबियों के सरदार बनकर आए अल्लाह ताली ने उन्हें जिस किताब से नवाज़ा वकीन तमाम आसमानी किताबों के सरदार यानी कुरान मजीद है कुर मजीद ने बेशुवार मौजूद जिन्हें हम अपने इस आने वाले प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और कुरान पाक पर अमल करने से पहले उसे समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम उसे पढ़ने का तरीका जान लें हम उसकी अदायगी को जान लें जिसको आज तजवीद हम कहते हैं अलिफ से लेकर या तक अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक नाजिल किया उसके लफ्ज़ों की अदायगी किस तरह हम कर सकते हैं और वो हमारे लिए कैसे सवाब का जो है वो जरिया बन सकता है और इसी हवाले से हम इंशाल्लाह आज तजवीद के जो प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे टीचर भी हैं ना सिर्फ मेरे रूहानी उस्ताद और अल्हद वो व इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी हैं जिनकी इब्तदाई तालीम मदीना मुनवरा में शुरू हुई और काफ़ी रेडियो पाकिस्तान के कुरान और हमारी जिंदगी के प्रोग्राम्स में उनके कुरने पाक के हवाले से उनके मौजूद जो है वो नशर होते रहे हैं उनसे हम इनशा आज अपनी बात का गुफ्तू करेंगे अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम बहुत शुक्रिया आपका सर आपने मसरूफीत में से टाइम निकाला हमारी बहुत शुक्रिया खसूसी तौर पे आपका और ए पी पी की पूरी टीम का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अहम और मुकद्दस प्रोग्राम के लिए मेरा इंतखाब किया बहुत शुक्रिया और मैं इसके साथ आपको ये बताता चलूँ कि ए पी पी टी वी और इसके जो रूहें रवान हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया मैं ख़ुद इंतहाई दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका फ़राह किया कि मैं इस बाबरकत मौजू कुरान पाक से मुतलिक जो है अपने प्रावे में बात कर सकता हूँ तो सर आगाज़ करते हैं तजवीद के हवाले से सबसे पहले आप ये बताइएगा सर कि हम जिसना देखते हैं पाकिस्तान में अजमी लोग हैं हम ज़ैर गैर अरब हैं तो कुरान पाक जो हम पढ़ते हैं या जो अरबी हम पढ़ना जानते हैं जितनी हम जानते हैं तो नमाज हो गया किरत हो तो उसमें हम लोगों का जो तरीका पढ़ने की अदायगी है आप क्या समझते हैं कि वह बेहतर है या और अच्छे अंदाज़ में हमें उससे जो है फॉलो करना चाहिए जी महतरमा यहाँ एक दो चीज़ें जो जहन में रखनी होंगी इस पर गुफगू करने से पहले सबसे पहली बात यह कि हमारी जो उर्दू जबान है ना इसमें अस्सी फ़ीसद अल्फाज अरबी के हैं और ये हमारी खुशकस्मती है ताहम हमारी इस जनरेशन को थोड़ा सा मसला ये बन गया है कि वो रोमन में ज़्यादा गुफ्तु करने की वजह से सीन सा में मसद में फ़र्क नहीं करते जा ज़ाल वा में फ़र्क नहीं करते तो ये थोड़ा सा मसला अब बना है इसकी की वजह से ये जो रोमन में बातें शुरू हो गई हैं तो वरना तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी उर्दू ज़बान में ये वही अल्फाज वही हरूफ जो अरबी ज़बान में होते हैं और हमारे थोड़े से उससे ज़्यादा हरूफ हैं सारे के सारे अरबी के हरूफ हमारी अल्फ़ैटिक में हैं सारे के सारे तो इस लिहाज से ये खुशकस्मती कह लें ताहम फिर भी हम अजम होते हैं हमारा लहजा चूँकि हमारी ज़बान में और जबानों के अल्फाज भी हैं तो हमारा लहजा खालस अरबी नहीं होता और कुरान पाक अरबी लहजा में उतरा हुआ है तो हमें ज़रूरत होती है कि हम अपने लहजे को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें दुरुस्त कर लें और लहजे को दुरुस्त कर के लिए जो बचपन की उम्र होती है ये सबसे बेस्ट होती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ज़बान की वो लचक ख़त्म होती जाती है और उस तरह फिर ये मामला थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है ताहम हमारी ज़बान के लिहाज से हम अरबी ज़बान के काफ़ी हम आहंग होने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह तो सर जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि सीन और जो सा का फ़र्क है तो ये तो हमारे यहाँ हम देखते कोई इसको इतनी लिहाज नहीं रखता नमाज होगी किरत होगी तो हम अगर ये चीज़ अदायगी सही नहीं कर रहे तो क्या हम किसी गुनाह के मुस्तक तो नहीं हो रहे कि हम अगर सीन को साँप आ रहे हैं या इस तरह कोई फ़र्क नहीं रहा देखें मोहतरम दो बातें हैं यहाँ भी सबसे पहली बात अगर ये देखा जाए कि कोई ट्राई ही नहीं करता अपनी लय पर लगा हुआ है वो कोशिश ही नहीं करता इसको ठीक करने की वो तो यकीन गुनागार होगा कोशिश तो करनी होती है ना और इंसान के नज़दीक जब कोई काम अहम होता है तो वो खाम खा कोश लाम करता है तो रहा मसला वो लोग जो बड़े हो गए हैं उम्र उनकी बड़ी हो गई है और वो उनका लहजा पुख्ता हो चुका है अब वो अपने आप को चेंज या तब्दील नहीं कर सकते उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बड़ी दो टोक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था यक़रा वह हुआ माहिरुम बही मा सफ़ार तिलकर मबरा जो कुरान पाक पढ़ने का माहिर है मिसाल के पूरे मखारिज के साथ पूरी अदायगी के साथ लहजा पूरा ठीक ठाक उसका है और वो माहिर है पढ़ने का ठहर ठहर के तरतील के साथ पढ़ता है उसका तो रुतबा यह है कि वो फरिश्तों के साथ होगा और वो, शخص, वो 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 और वो शख्स व लजियत तय तय वह अल शाह कन फ़लाजरान वह शख़्स जो जिसकी ज़बान थरथरती है और वह उससे अदायगी सही नहीं हो पा रही और वो इस मशक्क़त को बर्दाश्त करके फिर भी कुरान पढ़ता है उसके लिए दोहरा अजर है तो हमारा दीन इस्लाम बहुत खूबसूरत दीन है ये इंसान के साथ साथ चलता है ऐसा नहीं है कि एक इंसान वो आजिज़ है नुतख से उसकी ज़बान उसका साथ नहीं दे रही किसी भी वजह से अब इस्लाम कहे कि तू पीछे हट जा मेरे साथ नहीं चल सकता ऐसा नहीं है इसकी बेहतरीन मिसाल आप देखें ना जब बंदा ठीक ठाक होता है उसकी नमाज आपको पता है और तरह होती है खड़ा होकर पड़ेगा रकूस जूद करेगा एक बंदा है वो क्याम पे क़ादर नहीं है अब इस्लाम उसको ज़बरदस्ती नहीं करता कि तू जरूर खड़ा हो वो बैठ के पढ़ लेगा और जो बंदा रुकू और सजूद पर क़दर नहीं है वो इशारे से पढ़ लेगा तो इस्लाम साथ साथ चलता है तो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक शख्स उसकी तरबियत ऐसे ही हुई उसने ऐसा ही पढ़ा अब वो पुख्तगी को पहुँच चुका है चेंज नहीं कर सकता अपने आप को और वो इन गलतियों अल्लाह तला उसका मुआवजा करेंगे इन शाला ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है बल्कि उसके लिए दोरा हाजिर है सुबह सर बहुत खूबसूरत बात तो सर अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा जो आप समझते हैं कि जिनको हम पाकिस्तानी आवाम अगर हम क्लत में कॉपी करें या फॉलो करना चाहें कि इनकी तजवीज़ जो है वुरान पाक में बहुत जो है आसान भी है और हम उसे कैच कर सकते हैं तो कौन से आप ऐसे आप अरब तरफ़ इशारा करेंगे कि जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रत सुननी चाहिए वैसे तमाम जितने भी ममालिक्हमदिल्ला वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लेकिन बाज़ सऊदी अरब की तरफ हम लोगों को रुझान ज़्यादा होता है तो उनको हम अपना दर्स में जो है फॉलो कर सकते हैं या इसके अलावा कोई और कंट्रीज आप देखिए कुरान पाक अरबी ज़ुबान में उतरा है और हर जबान का एक लहजा होता है हर जुबान अपने लहजे में ही अच्छी लगती है लहजे से उतर जाए तो कभी कभी समझ भी नहीं आती जुबान यहाँ मैं थोड़ा सा मुझे दो वाकई याद आ रहे हैं बड़े दिलचस्प भी हैं और इसके मुनासबत भी रखते हैं मैं उन्नीस सौ अट्ठासी की बात है मक्का में मक्का मक्रमा में जमात होने लगी तो वहाँ रश हो तो सफ़ों के दरमियान भी लोग सफें शुरू कर देते हैं मेरे साथ मेरे उस्ताद खड़े हुए थे जो पाकिस्तान से गए हुए थे उम्र करने के लिए बहुत मज़र शख्सियत हैं बहुत काबिल शख्सियत हैं तो वो उनको कह रहे हैं कि पंजाबी लहजे में अरबी में कह रहे हैं एन नस्यूत ऐन नसीुत अब तो अल्फाज पूरे हैं ठीक बोला है उन्होंने लेकिन वो सामने वाला अरबी था उसको समझ नहीं आ रही अब चूंकि उस्ताद का एहतराम था थोड़ा सा पहले तो मैं हिचकिचाता रहा फिर मैंने उस शख्स को बताया कि यक़ूलशैद ए नसीुद बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा ना थोड़ा सा लहजे का फ़र्क पड़ा उसको फौरन समझ आ गई दूसरा वाक्य मेरे साथ ये हुआ कि ये उन्नीस सौ बानवे की बात है आ, मैं बरतानिया गया तो वहाँ शदीद सर्दी की वजह से सोचा कि चाय का कप पी लूँ हमारे यहाँ ज़रा इंग्लिश का लहजा कुछ और होता है ना तो वही हमारा पुख्ता था तो मैंने उसी लहजे में उसको जाके कहा प्लीज़ वन कप ऑफ टी उसको समझ नहीं आई मेहरान रहा मैंने फिर रिपीट किया कि वन ऑफ कप ऑफ टी उसको नहीं समझ आ रही मैं बड़ा हैरान हुआ फिर मैंने सोचा कि मैं ये जो बात कर रहे हैं देखूं फिर मैंने गौर किया कि इनका लहजा ही और है ये टी नहीं बोल बोल रहे रहे थी हैं तो हर जबान का एक लहजा होता है अरबी जबान का भी एक लहजा भी है।, है तो यकीन कुरान पाक मक्का में नाजल हुआ मक्का में नाजल हुआ और मक्का का लहजा यकी अरब है ज़्यादा करीब है बाकी और अरब मालिक जो हैं खूस सूर्या वग़ैरह शाम वग़ैरह वहाँ कुरने पाक की दूसरी की किरात या दूसरी किरात राइज है जबकि हरमैन के या सऊदी अरब में वही किरात राइज है जो हमारे यहाँ हफ्स की राइज है तो इस लिहाज से हमें वो ज़्यादा सूट भी करते हैं हमें उनका लहजा भी अरबी है और क़रात भी वही है कुरान पा की जो हमारे यहाँ राइज है तो इसलिए सऊदिया के जो क्राए कराम हैं वो हमें कई लिहाज से ज़्यादा सूट करते हैं सबसे पहले को वही उतरने का मुकाम भी वही है दूसरी बात यह है कि हरमैन की जो तिलावतें हैं वो आने और ज़्यादा होती हैं उन ज़्यादा सुनने का मौका मौक़े इंसान को मैसर होते हैं तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं समझता हूँ कि इन शाला सऊदी जो कुर्रा है उनको फॉलो करना उनके लहजे को अपनाने की कोशिश करना ये ज़्यादा बेहतर है ठीक हो गया अच्छा सर दूसरा एक और बहुत अहम सवाल जो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं आपको भी शायद इतफाक़ हुआ होगा कुरान पाक में जब हम सुर फातह से आप ले लें मिसाल ले लें ले, अगर कि एक तो आपने जिसना बताया कि अगर लफ्ज़ तब्दील भी हो जाए क्योंकि हम ज़ैर अजम लोग हैं तो उसकी कोई इतनी पकड़ नहीं है तो लेकिन अगर ज़बर ज़ेर का फ़र्क आ जाए फ़ॉर एक्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं सरातल लज़ीन अनम तिम तो अगर ये कोई अगर अन आमता इन की अदायगी सही नहीं कर सकता लेकिन वो अगर अन आमता की जगह अनआम तो पढ़ दे दफ़ा ऐसे भी होते हैं कि उनको पेश ज़बर ज़ेर का नहीं पता होता अब इसकी वजह से तो मायना पूरा ही जो है वो बदल जाता है तो मायना बदले बदलने की वजह से नमाज भी इसमें हट जाता है और तो या इंसान उस पर जो है गुनागार हो सकता है या फिर उसमें भी छूट दी गई है इस्लाम में इसके बारे में क्या हुक्म है जी इसमें जो तजवीद है उमूा इसको दो किस्मों में तकसीम किया जाता है इसको एक को लहने जली कहते हैं दूसरे को लहने खफ़ी कहते हैं तो ये जो आपने बात की ये लहने जली का मतलब है बहुत फाश गलती बहुत बड़ी गलती ऐसी जो गलती साखत नहीं हो सकती मिसाल के तौर पे ये अब तो ज़बर जेर की बात कर रहे हैं बसाओकत तो ऐसा होता है कि एक ही नुकते ने महरम से मुजरम बना दिया तो नुकता कहीं, कहीं का कहीं पहुंचा देता है उसने कहा था हम दुआ करते रहे हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते, पढ़ते रहे एक ही नुकते ने महरम से मुजरम बना दिया तो नुकते की गलती ज़बर जेर की गलती तो बहुत बड़ी गलती है अन अम तो देखो कहाँ से बात कहाँ पहुँच चुकी चे जाए कि हम अल्लाह ताली का एतराफ़ कर रहे सरातल अनतामता जिन पर तूने इनाम किया उसकी वजह अगर मैं ये पढ़ूँगा अन आम तो तो मतलब उन जिन पर मैंने इनाम किया मैं कौन होता हूँ जो इनाम करूँगा किसी पर तो ज़बर और ज़ेर की गलती तो बहुत दूर पहुँचा देती है और इसके लिए तो इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए इसमें कुताही जो है वो शायद इसकी गुंजाइश नहीं है उसकी वजह यह है कि ज़बर ज़ेर पेश एक तो अहतमाम इतना कर दिया गया है कि क़ुरान पाक में जली लगा दी गई हैं दूसरा यह है कि इनकी अदायगी किसी के लिए मुश्किल नहीं होती आ, मिसाल के तौर पे एक शख़्स है उसको हो सकता है कि लाल और जा इसमें वो थोड़ा सा ना कर सके पॉसिबल है ना लेकिन जबर जेर पेश तो की जहाँ तक भी पहुँच जाए जहाँ भी हो जाए तो जबर ज़ैर पेश का तो कोई मसला नहीं है तो इसलिए इसके बारे में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है बहुत ही ज्यादा अहतमाम की जरूरत है इसकी गलती जो है उसमें गुंजाइश नहीं है ज़बर जेर की गलती की गुंजाइश नहीं है और पाकिस्तान में ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो तजवीज़ सही मानों में जो बच्चों तक पहुँचा रहे हैं यूथ नसल को कोई अगर बड़े सीखना चाहें ऐसे पाकिस्तान मंदारस में तो वैसे भी बहुत आगे है तो आप समझते हैं कि यहाँ पर मंदारस में जो तजवीज़ कराई जाती है तो वो तो हम देखते हैं कि काफ़ी जो तलब इन कर्न करके निकलते हैं काफ़ी बेहतर होती है स्कूलों में भी इसका आई थिंक राइज होना ये मुल्क पाकिस्तान बल्कि हमारे अपने मान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है जी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चा जब इब्तदा में ही सीखता है जब हम छोटे छोटे पढ़ा करते थे तब कुरान पाक की तजवीज़ कुरान पाक सिखाया जाता था सब कुछ था ऐसा होना चाहिए और ये सिर्फ फार्मेलिटी की हद तक नहीं होना चाहिए मैं बड़े अफसोस से कहूँगा कि बाज़ इदारे में जानता हूँ बास स्कूलों को कि उन्होंने सिर्फ फार्मेलिटी पूरी करने के लिए कारी साहब रखे हुए हैं उनकी अपनी भी तजवीज ठीक नहीं है तो सिर्फ ये है कि उनको जरा सस्ते दामों मिल गए हैं तो इसलिए उन्होंने रख लिए हैं ऐसा तो बल्कि मैं एक दफ़ा किसी दोस्त के पास गया हुआ था मेहमान तो उसने घर में वो टीचर रखा हुआ था पढ़ाने के लिए बच्चों को यकीन करें कि मुझे वहाँ ख़ामोश होना बहुत मुश्किल हो रहा था इतना गलत पढ़ा रहा था उसको तजवीज़ तो दूर की बात है यानी कि लहने जली कर रहा था अब मैंने सोचा कि मैं दो मिनट के लिए इसके पास आया हूँ अगर मैं इसको कह के चला गया तो दुखाऊँ ये एक फसाद खड़ा होगा तो उमूा ये देखा जाता है कि कुरान पाक को वो अहतमाम नहीं दिया जाता बस ये है कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा नहीं है यकीन वो सस्ते उनकी फ़ीस थोड़ी होती है शायद इसलिए वो उसको रख लेते हैं इस तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए जो छोटा बच्चा है हो सकता है उसको सीखने के लिए एक महीना लगे पूरी तजवीज़ लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसके लिए मुश्किल होता जाएगा और जब वह सन्श को पहुँचेगा उसको ये सब कुछ ठीक करने के लिए हो सकता है सालों लगें सालों लगें तो इसलिए बहुत सारे इदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो बच्चे और बच्चियों की तजवीद का बहुत अहतमाम करने वाले हैं और आप तो माशा यूनिवर्सिटी से हैं आपको पता है कि उसूलुद्दीन में जो कलियतुरान है उसमें बहुत ज़्यादा तजवीद का अहतमाम किया जाता है और बहुत ही काबिल तरीन उस्ताद हैं वहाँ तो पाकिस्तान में इदारों में ये चीज़ अलहमदिल्ला है माशा तो शौक़ बच्चों में पैदा करने का सर क्या तरीका होगा कि अगर हम उनमें ये तजवीद के साथ कुरान पाक हिस्स करने का शौक़ पैदा करने का क्या ऐसे वालदेन को चाहिए कि वो बच्चों को जो है शौक़ पैदा करें या उनको ऐसी तलावत वग़ैरह सुनाई जाएँ ताकि उनके अंदर शौक़ पैदा हो बच्चों का मसला ये होता है कि बच्चों को हमेशा जो बिलवासता चीज़ें होती वो उन पर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं बिला वास्ता डायरेक्ट अगर उनको कहा जाए तो उन पर वो असर नहीं होता अगर बच्चों को कहना शुरू कर रही है तजवीज़ से पढ़ो तजवीज़ से पढ़ो तजवी वो इतना असर नहीं लेगा उसका बेहतरीन तरीका है कि कोई जो कारी आपको पसंद है उसकी रिकॉर्डिंग आप अपने मोबाइल में या घर में कहीं रख लें और गाहे बगाहे बच्चे के साथ सामने सुने और उसकी उसकी तारीफ करें ये क्या खूबसूरत पढ़ता है कभी कभी दुआ कर दी अल्लाह मेरा बच्चा भी ऐसा पढ़ने लग जाए तो ऐसा ऐसा बच्चे के जहन में ये चीज़ रासक हो जाएगी और मेरा ये कुछ दोस्तों के साथ तजर्बा है एक दोस्त ने ये आप वाला मुझसे सवाल किया अच्छा भी, भी डाय तो नहीं कहना ये। लेकिन ये है कि कोई उसके सामने तिलावत सुनो उस तिलावत के बारे में आप तारीफ करो उसकी अदाय की तारीफ करो उसकी खूबसूरत आवाज की तारीफ करो तो बच्चा खुद में खुद उसमें शौक पैदा होगा यह तरीका है जी नजरीन यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक आप हमारे साथ रहिएगा दोबारा प्रोग्राम में शामिल होते हैं जी नजरीन वेलकम बैक आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुरान का सफर और हम गुफ्तु कर रहे थे तज़वीज़ से मतलब अब कुर पाक के हवाले से हम कुछ और सवाल करेंगे अपने में मेहमान से बहुत ही इलमी शख्सियत सर अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा आप कुरान पाक की फजीलोत तो स्वाब के बारे में क्योंकि तजवीर का शौक तो ज़ाहिर अब्तदाई तो मराल में शामिल है कि हम वो शौक़ रखें तो कुरने पाक के बारे में जिस तरह हम सुनते हैं कि अल्लाह ताली ने इस किताब में हर हल लफ्ज़ पर जो इतनी नेकियाँ और जो स्वाब रखा उसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा किरन पाक की अजमत लल्ला ने जो बयान की यकीन प्रोग्राम में क्या पूरी ज़िंदगी भी अगर हम उसकी तारीफ़ करते रहें तो वहादा नहीं हो सकता तो आपसे पूछना चाहूँगा इसकी फ़जीलत और स्वब के बारे में थोड़ा सा इशारा कर दें जी मोहतरम इसकी फजीलत और इसकी अहमियत के लिए इतना आप समझें कि इंसान दो चीज़ों का मजमू है इंसान का जिसम है और रूह है जिसम का ताल्लुक ज़मीन से है ज़मीन से ही गजा खाते हैं वही हमारी जज्व बदन बनती है हमारी रूह का ताल्लुक आसमान से है यसअलूनक मिन रब्बी ये सलू रब्बी है ये दोनों जब इकट्ठे होते हैं तो इंसान कहलाता है जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो फिर ये मैय कहलाता है फिर ये मैत डेड बॉडी कहलाता है तो रूह इसकी जो है उसकी अहमियत इसके जिस्म से कम नहीं है जिस्म की गजा हमें जमीन से मिलती है जम, और जिस्म अगर हमारा बीमार पड़ जाता है तो इलाज भी जमीन से है दवाइयाँ जितनी भी हैं उनका ताल्लुक जमीन से है जब हमारी रूह बीमार पड़ जाती है इसका इलाज जहाँ से रूह आई है वहीं से आता है वो है कुरान पाक वो है कुरान पाक तो इस रूह की गजा भी है कुरान पाक और इस रूह की दवा भी है कुरान पाक अब लोगों का चूँकि इस तरफ रुझान नहीं होता जिसम बीमार होता है तो पेन होती है बंदे को पता चल जाता है बुखार हो गया पता चल जाता है जिसम बीमार है तो रू का चूँकि अहतमाम नहीं किया जाता तो रू भी बीमार होती है रूह भी बीमार होती है उसकी कुछ अलामतें होती हैं जब आपको अजान अच्छी ना लगे समझ लो रूह बीमार हो चुकी है जब कुरान पढ़ने में दिल ना लगे समझ लो कि रूह बीमार हो चुकी है नमाज में दिल नहीं लग रहा समझ लो कि रूह को को मसला हो चुका है अब इसके इलाज की ज़रूरत है तो इसलिए रूह भी बीमार होती है रूह को ग़ज़ा की भी जरूरत होती है रूह को इलाज की भी जरूरत होती है तो ये कुरान पाक उसी जात की तरफ से नाजल शुदा है जिस ज़ात ने रू को नाजल किया जिसकी तरफ से ये रूह है तो ये रूह की गज़ा है अब इसकी अहमियत का एक और जाविये से देखना यह है कि चूँकि हम हमेशा अपने जिसम के साथ ही ज़्यादा वाबस्ता रहते हैं इसी का अहतमाम करते हैं रू का की तरफ हमारा इतना वो ख़्याल नहीं होता लेकिन बात इतनी है कि अगर जीते जी रू इंसान की बीमार पड़ गई है इंतहाई कमज़ोर हो गई है तो ये बंदा मुर्दों से भी बदतर है ये तो हो सकता है कि एक जिंदे ने जिंदा इंसान ने ज़िंदगी बसर की उसकी रू तवाना थी वो कुछ ऐसा छोड़ के गया अपने अखलाक छोड़ के गया कुछ किरदार छोड़ के गया कुछ सिफात छोड़ के गया कुछ लोगों में अच्छी अच्छी बातें छोड़ के गया वो तो फ़ौत हो गया लेकिन उसका सब कुछ ज़िंदा है ये इसका जिसम फौत हो गया लेकिन अगर रूह मुर्दा हो जाती है तो ये चलता फिरता इंसान होता मुर्दा ही है क्योंकि इसकी रूह बीमार हो चुकी होती है तो यहाँ से हमें अंदाज़ा करना चाहिए कि कुरान पाक की कितनी अहमियत है रूह को तवाना रखने के लिए रूह को ज़िंदा रखने के लिए तो कुरान पाक की इस लिहाज से आज़मत बाकी जो आपने इशारा फरमाया है नेकियाँ वो तो मज़ीद अल्लाह का फ़जल है कि हम अपनी रूह को तवाना रखने के लिए कुरान पढ़ते हैं इसका इलाज करने के लिए कुरान पढ़ हमारी ज़रूरत है इस पर अल्लाह अलाशरीक हमें अजर दे रहे हैं ये तो उसका फजल है ये तो उसका फजल है महदूद ने किए हैं हाँ। और बल्कि जो अभी आपने बात की बहुत खूबसूरत इसी से आप देखें कि कोई भी टेक्नोलॉजी आज मोबाइल ये कैमराज वगैरह इसके साथ एक गाइड बुक आती है अगर आपकी बात में मज़ीद शामिल करूँ इसमें कि गाइड बुक होती है और उसमें बताया गया होता है कि आपकी जो चीज़ है आप इसको इस्तेमाल करें इसका तरीक़ा क्या है इसको अपने यूज़ कैसे करना है और बिल फर्ज कोई ख़राब हो जाए तो उसी गाइड बुक में पूरा पैटर्न दिया होता है कि आपने कैसे करना है तो इंसान तो अशरफ है तो अल्लाह ताला ने उसे इतनी बड़ी जो है मकाम तफरमाया तो उसकी हदायत के लिए उसकी गाइड बुक करवाने मज़ीद बल्कि इसी तरफ इशारा किया ना अल्लाह ताला ने जब तब हज़रतम सलाम को पैदा किया और फ़रिश्तों से सजदे का कहा अब्लिस ने सजदा नहीं किया तो जन्नत में बसाया हज़रत आदम सलामाम को और फिर जो होना था शैतान ने बहकाया और वो जो फल खा लिया उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम ज़मीन की तरफ उतर जाओ यहाँ ये, ये बात याद रहनी चाहिए कि हज़रत आदम आसलाम को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला, ताला ने फरमाया था इन्नी जायल फ़िल अर्द ख़लीफ़ा ये उनको पैदा ही ज़मीन के लिए किया जा गया था जो जन्नत में उन्हें बसाया गया था वो हमेशा के लिए नहीं था वो मेहमान नवाजी के लिए था हमेशा के लिए यह जन्नत खुल्द तब होगी जब हम अपने अमाल के बलबोते जन्नत में जाएंगे अमाल के बलबोते तो कोई नहीं जा सकता जब हम अमल करेंगे जिसकी वजह से हम अल्लाह ताला की रहमत के हकदार होंगे उस रहमत के बलबोते हम जब जन्नत में जाएंगे तो वो होगा जन्नत खुलद की का जन्नत चूँकि हजरत आदम आसालाम को तो बसाया गया था मेहमानी के लिए तो जब उनको ज़मीन पर उतरने का कहा गया तो क्या कहा कि मिन्नी हुदन फ मन तब आहदा य फ़ला ये आयत बहुत ही गौरतलब है उसी वक्त फरमा दिया था कि जनाब तुम्हारी तरफ अब ये गाइड बुक आएगी मेरी तरफ से तुम्हारी तरफ अब मेरी तरफ़ से हिदायत आएँगी इस दुनिया के समंदर में कैसे ज़िंदगी बसर करनी है यकीन कीजिए कि अब हम गौर करें ना अगर अल्लाह ताला ने हमारी रहनुमाई न की होती इस दुनिया के समुद्र में हम इतना गुम होते कि हम ना जिंदा होते ना मुर्दा होते ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें बताया ये करो ये नहीं करो ऐसा करो ऐसा नहीं करो तो फरमाया कि मेरी तरफ़ से हुदन फ़मन इत्तबा इमाअम फ़ला तबा या फ़लायलाशा दो चीज़ें बहुत अहम हैं जो इन तालीमात की रोशनी में जिंदगी बसर करेगा उसके लिए दो चीज़ें हैं एक तो यह कि कभी गुमराह नहीं होगा हिदायत पर रहेगा दूसरी बात यह कि हमेशा सादतमंद रहेगा कभी शिकावत और बदबخت नहीं होगा हमेशा सादत की जिंदगी बसर करेगा अब ये हिदायत का लफज हमारे यहाँ ऐसे ऊपर से गुजर जाता है लोग इसको डीपली सोचते नहीं है यह हिदायत है क्या चीज़ हिदायत यह है कि हम उस रास्ते पर चलें जो जन्नत को जाने वाला है क्योंकि हमारा मुकाम जन्नत है हमें जन्नत से निकाला गया था ना बिल्कुल जन्नत से निकले थे तो वहां जाने के लिए जो रास्ता है वो कुरान ने हमें बताया है कि ये रास्ता जन्नत में जाता है और दूसरा रास्ता जहन्नम की तरफ जा रहा है ये अल्लाह का फ़ैसला है और उसके अदलो इंसाफ का तकाज़ा भी है कि जो शख्स जन्नत के रास्ते पे चलेगा वही जन्नत में जाएगा ऐसा नहीं है कि कोई जा तो रहा हो जन्नत के रास्ते पे अल्लाह उसको ज़बरदस्ती जहन्नम में भेज दे ऐसा मुमकिन नहीं है इसी तरह बंदा तो जहन्नम के रास्ते पे चल रहा है अल्लाह ताली उसको धक्का मार कर जन्त में भेज दे ऐसा भी मुमकिन नहीं है यह अल्लाह ताली का दस्तूर है और उसमें ला तब्दील अली कली मतिल्ला तस् को तब्दील नहीं किया जा सकता तो कुरान पा की अजमत और जो जैसे आपने फ़रमाया था अल्लाह तदायत की जिंदगी गुजारने का ढंग को कर दें। आ, मन खलक। कौन सिखाएगा इंसान को तालीमा कौन देगा रहने सहने का तरीका कौन सिखाएगा उससे भड़कर कोई सिखा सकता है जो जिसने इसको पैदा किया है जिसने पैदा किया वो इसके मैलाना को देखता है वो इसके अहसास का आलिम है उसको इसके मशायर और शुरूर का पता है और उसको पता है कि ये किधर जाता है किधर से बितकता है किधर इसका रुझान है वगैरह वगैरह तो सारी चीज़ों का वो आलम है इसलिए उसने हमारे लिए ये कानून बनाया इससे अच्छा कानून इससे अच्छा दस्तूर हो नहीं सकता अच्छा सर ये जो आज जो आप सारी गुफ्तु कर रहे हैं माशा बहुत ही ये मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि फिर हमारी इतनी कुरान पाक से दूरी क्यों है हम मुसलमान भी हैं तो फिर भी हम कुरान पाक से इतना दूर हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी हदायत का ज़रिए बनाया तो हम जो जो जू, जिस तरह के अल्लाह के नबी ने ख़ुद बल्कि शात फरमाया कि खैर कर, उ करनी सज़ी यून हम सज़ी यून हम कि हर दौर बाद में आने वाले से जो है ना बदतर होता चला जाएगा तो फिर भी हम अल्लाह का शिक्र अदा करते हैं कि अल्लाह तेरे कुरान पाक की जो दौलत से नमाज़ रखा है हम फिर भी पढ़ते हैं कम पढ़ते हैं जिस तरह भी पढ़ रहे हैं तो ना बिल्कुल हम उसे अटैचमेंट से बिल्कुल ऐसी अटैचमेंट ही ना रखें गाफिल हो जाए तो बेहतर है कि हम कहीं ना कहीं कुराना पाक के साथ जुड़े रहें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर होगा हमारी जिंदगी की कमयाबी के लिए भी और आखरत की कमयाबी के लिए भी तो इसमें माशाल्लाह आपने जिस तरह ये आगही का प्रोग्राम शुरू किया है इस किस्म के जो प्रोग्राम हैं इन प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है तो नौजवान नस्ल में या छोटे बच्चों में शुरू से ही ये आगाही पैदा कर दी जाए कि कुरान पाक कोई ऐसी वो किताब नहीं है कि इसको पीछे फेंक दिया जाए ये ऐसी किताब है कि इसको सीने से लगा के इसके साथ साथ चला जाए जैसे बड़ा खूबसूरत नाम रखा आपने प्रोग्राम का कुरान का सफ़र तो ये सफ़र पैदाइश से लेकर मौत तक का सफ़र है और जब ये पैदश से लेके मौत तक का सफर कुरान के साथ होता है तो ये कुरान फिर कब्र में भी जाता है इंसान के साथ और उसकी अब आपको पता है कब्र में तो इंसान अकेला है ना तो वहाँ उसकी वहशत का ये इलाज करता है उसको अकेला नहीं रहने देता तो उसको कलापा नहीं होता कलापा यानी अकेला बन उसको महसूस नहीं होगा तो कुरान वहां साथ देता देता हशर में भी जाएगा वसल्लम ने खुद फरमा दिया है कि कुरान पाक वहां इसका सिफारिश बन के अल्लाह ताला के सामने खड़ा होगा कि अल्लाह सारी जिंदगी इसने मुझे सीने से लगा के रखा मेरे साथ ताल्लुक रखा आज मैं इसको बख्शवाए बगैर नहीं जा सकता तो आ, ये पूरा पुरान पाक इसकी सिफारिश अलग है और सूर्य बकरा और सूरा अल इमरान की सिफारिश अलग है इनकी सिफारिश इतनी पावरफुल होगी कि ये भी इंसान को बख्शवाए बगैर नहीं जाएंगी अच्छा इसके बारे, भी इसके बारे में अच्छा, इसके बारे में अलग हदीस है अच्छा इसके बारे में अलग जी अल इमरान और ये जो सूरा बकरा और अल इमरान है इनके बारे में नबी सलम ने हिफ़्स कर लेना या इन इन अगर कोई हिफज कर लेता है इसके मुताबिक जिंदगी ढाल लेता है तो आ, असल बात तो ये है तो यहाँ जो पैगाम छुपा हुआ है सूर्य इमरान हाँ, में हाँ, अगर उस पर अमल कर लेंगे तो फिर असल कुरान पाक तो ये है ना देखो भारिश साहब यहाँ थोड़ा सा मैं वजाहत करूंगा कुरान पाक पढ़ लेना हिफज कर लेना उसके बाद उस पर अमल ना करना इसका नतीजा तो बहुत भयानक है ये जितनी भी फजीलतें हम बयान कर रहे हैं ये इसमें सरफहरिस्त कुरान पाक पढ़ना समझना उस पर अमल करना तीन चीजें हैं तीन चीज़ें हों तो यह फजीलत है कुरान पाक की कि सारी ज़िंदगी का सफ़र फिर ये कबर में भी साथ और हशर में भी सिफारशी होगा लेकिन अगर किसी ने इस तरह ना किया उसमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लंबी हदीस है जिसमें तीन ग्रोहों तीन लोगों के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि एक आलम को लाया जाएगा सबसे पहले हिसाबों किताब के लिए बल्कि कारी को लाया जाएगा कारी को लाया जाएगा अल्लाह ताला उस पर अपने एहसाना बताएंगे तुझ पर मैंने ये एहसान किया तुझ पर मैंने एहसान किया तो तूने क्या किया वो बंदा कहेगा अल्लाह मैंने तेरा कलाम पढ़ा हिफ़्ज किया मैं उसको पढ़ता था अल्लाह ताला फरमाए कारी, फ़कत قيل, तू तो इसलिए ये तलावतें पढ़ता था तू तो इसलिए बड़े सुर लगा के ये तलावतें किया करता था कि लोग कहें भाई क्या आवाज़ है और क्या कारी है तो लोगों ने क्या लिया तेरा मकसद दुनिया में पूरा हो गया अब हमारे पास तेरे लिए कुछ नहीं है तो इसी तरह दो लोगों का और भी तस्करा किया तो उनमें एक पहला जो है वो कारी है तो इस लिहाज से सिर्फ कुरान पढ़ना उस पर अमल न करना इसका नतीजा बहुत भयानक है बिल्कुल सर बहुत से मौजूद कुरान पाक से रिलेटेड हैं अब हमारी गुफ्तु में ऐसे मैं कंकलूड करूँगा और जैसे कि इसे मोहजात एजाजल कुरान इन शाम अब आने वाले प्रोग्राम में उनको इनशाला डिस्कस करेंगे तो जो आपने कोई इसके बारे में कोई पैगाम आप देना चाहे मजीद कि कैसे हम कुर पाक के साथ अपने दिलों को जोड़ें ताकि हमारे लिए जो है हदायत का ज़रिया बने मुख्तसर वक्त में थोड़ा सा मुख्तर इसमें मैं वही एक नसीयत करूँगा जो अल्लाहदरीफ़ ने भी की है जी। कि जिस शख्स ने अभी कुरान से मुँह मोड़ा उसकी जिंदगी गैरसकून वाली हो जाएगी सुकून से हट जाएगी उसकी जिंदगी सादत से हट जाएगी अब आ, लोग बड़ा समझते हैं असल में हमारे कुछ मीर भी तब्दील हो गए हमारा ख्याल है कि बंगला बड़ा हो गाड़ी बड़ी हो नौकर चाहकर हो तो ये शादत है ये शादत नहीं है शादत एहसास का नाम है इंसान वो पूरा सूरा है उसके पास एक वक्त का खाना होता है लेकिन वो उसके अंदर एहसास ये है कि हम चूमा दिगरे नस्त मेरे जैसा और कोई नहीं है मैं बहुत खुश नसीब इंसान हूँ मेरे पर अल्लाह त बहुत करम नवाजियाँ हैं ये शख्स ये शख्स जो है शादतमंद है वो अरब पति शख्स जिसके हमेशा सामने फ़कर 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 लगा हुआ है डर रहा है मैं फ़कीर हो जाऊँगा रात को गोलियाँ खा के सोता है उसको नींद नहीं आती तो ये शादत नहीं है ये शिकावत है ये वही चीज़ है फ़ैन लू मीशत ये मीशत है कि होते हुए बंगले भी हैं सारी सहूलतें हैं लेकिन उसको सुकून नहीं है और ये सुकून आ, पूरी दुनिया की दौलत क़दमों में ढेर होने से भी नहीं मिल सकता वो सुकून जो एक सजदे में इंसान को मिल जाता है वो पूरी दुनिया का माल लेके भी इंसान को हासिल नहीं हो सकता तो इसलिए मेरा पैगाम यही है कि कुरान के साथ दिल लगाओ इससे आपको एक ख़ास आदत हासिल होगी एक ख़ास सुकून हासिल होगा फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितना सदस्य से दूर था बेशक बहुत शुक्रिया सर बहुत ही मोटिवेशनल जो है आपने इस पर बात की है यकीन हमारे तमाम नाजरन के लिए भी इन शाला तला बहुत ही कार साबित होगी और इन शाला तल्ला हम सबको इसकी ज़ैरत अता फरमाए जी नाजरीन आपने देखा प्रोग्राम कैसे हम कुरान पाक को अपने दिलों में बसा सकते हैं और कुरान पाक के साथ नस्बत ही यही जो है ये जन्नत का असूल भी है और इतफ़ाक़ रसूल भी मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा इन शाला नए प्रोग्राम में नए मौजू नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे असल ख़ुदाफ़ि